In the name of Allah, the most beneficent and the most kind to all of us. Assalamu alaikum wa rahmatullah. This is Sir Naseem Zulfiqar, and today in first year chemistry chapter 3, I am going to deliver the last lecture of chapter 3, the atomic structure, and that are few concepts regarding the group properties. तो आज हम ग्रुप प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम चार प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे एलिमेंट्स की. सो फर्स्ट इज एटॉमिक रेडियस, सेकंड इज आयनाइजेशन पोटेंशियल, द थर्ड इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एंड द फोर्थ इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो इन चारों चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये क्या है, ठीक है, और किस तरह से इनको कैलकुलेट किया जाता है, और उसके अलावा डिफरेंट और बातें. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा आपके सामने एटॉमिक रेडियस, ठीक है. एटॉमिक रेडियस, रेडियस किसे कहते हैं आप जानते हैं कि अगर कोई सर्किल है तो सर्किल में सेंटर से लेकर जो है वो लास्ट तक का डिस्टेंस, लास्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस सेंटर से लेकर, वो उसको हम रेडियस कहते हैं, ठीक है, या हाफ ऑफ द डायमीटर भी उसको हम कह सकते हैं. अब एटम चूंकि सर्कुलर होता है, गोल होता है, तो उसका रेडियस ही केनन होगा उसके न्यूक्लियस से लेकर उसके लास्ट सेल तक का डिस्टेंस. अब सिंस एक सिंगल एटम को हम आइसोलेट नहीं कर सकते, सिंगल आइटम आइसोलेट नहीं होता, अगर वो या तो वो मॉलिक्यूल की सूरत में होता है अगर वो नॉन मेटल है तो, और अगर वो मेटल है तो फिर वो क्रिस्टल लैटिस बनाकर होता है. तो अकेले एटम को आइसोलेट करना इम्पॉसिबल है, तो हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स की सूरत में एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन बनाते हैं कि अगर कोई होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल मतलब दो एक जैसे एटम से मिलकर बना हुआ अगर मॉलिक्यूल कोई है, तो और वो मॉलिक्यूल अगर साथ में कोवलेंट बॉन्ड बनाकर रखे हुए हैं, तो उनके सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस के जब हाफ कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, ठीक है. तो क्या डेफिनेशन बन गई कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू एडजेसेंट एटम्स ऑफ अ होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस. कि अगर हम कोई होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल ले लें, जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लेते हैं H2, दो सेम एटम से जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हम लोग कहते हैं होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल. अगर हम यहाँ पर कोई होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल ले लें, ठीक है, जैसे H2 ले लिया, तो दो हाइड्रोजन उसमें क्या होगा कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाकर होंगे. तो ये एक मॉलिक्यूल है, दो हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ, ये इनके सेंटर्स हैं, इनके न्यूक्लियस हैं, इनके सेंटर्स के बीच का कोई डिस्टेंस आ गया, लेट्स से कि 1 एंगस्ट्रॉम आ गया. अब उसका क्या कर देना है, आपको हाफ कर देना है. अगर इनके सेंटर्स को अगर हाफ कर दोगे तो क्या होगा, सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपको मिल जाएगा. तो दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस. तो एटॉमिक रेडियस कैसे फाउंड आउट किया जाएगा कि अगर कोई एक जैसे दो एटम से बने हुए अगर मॉलिक्यूल मौजूद है तो उनके सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस को आप कैलकुलेट करके उसको आप हाफ कर दोगे, तो उससे हमें क्या पता लगेगा, एटॉमिक रेडियस मालूम हो जाएगा. H2Cl2O2N2 कोई भी होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल इसमें हो सकता है. यूनिट क्या होती है एटॉमिक रेडियस की, उसकी यूनिट होती है एटॉमिक रेडियस की एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम की सूरत में इसको मेजर करते हैं, मीटर या किलोमीटर या सेंटीमीटर से मेजर नहीं कर सकते, सिंस एटम एक बहुत एक स्मॉल पार्टिकल होता है, जिसकी वजह से इसको मेजर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या भाई, हम इस्तेमाल करते हैं इसमें एंगस्ट्रॉम, साइंटिस्ट के नाम पर एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम का सिंबल ये होता है कि एक के ऊपर जो है वो सर्किल बना देते हैं छोटा सा, तो दैट इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियस. और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10^-9 मीटर के, ये 10^-8 सेंटीमीटर के. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कन्वर्जन फैक्टर, ये कन्वर्जन याद रखें कि एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर और कितने सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है. फैक्टर्स किस पर डिपेंड करते हैं, एटॉमिक रेडियस कब कम होता है और कब ज़्यादा होता है, तो याद रखिए कि एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ शेल्स के. अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा, और अगर नंबर ऑफ शेल्स कम हो जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा. शेल्स जब ऐड होंगे तो क्या होगा, शेल्स के ऐड होने से सेंटर से लास्ट सेल तक का डिस्टेंस बढ़ता शुरू हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस में इंक्रीमेंट आनी शुरू हो जाएगी. और जब नंबर ऑफ शेल्स कम होंगे तो क्या होगा कि एटॉमिक रेडियस कम होना शुरू हो जाएगा. और यही एटॉमिक रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज के. अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना शुरू हो जाता है तो एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है. न्यूक्लियर चार्ज से मुराद के एटम के अंदर, एटम के न्यूक्लियस में जो चार्ज आता है, जो प्रोटॉन्स की वजह से आता है पॉजिटिव चार्ज, अगर प्रोटॉन्स बढ़ने शुरू हो जाए न्यूक्लियस के अंदर तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींचेंगे अपनी तरफ, उससे क्या होगा, एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा, ठीक है. तो इसी फैक्टर पर कि जिसमें हमने पढ़ा कि एटॉमिक रेडियस नंबर ऑफ शेल्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है कि उससे एटॉमिक रेडियस न्यूक्लियर चार्ज के, कि नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल कम होगा एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा. इसी फैक्टर से हम क्या करते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स निकालते हैं, मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर हम ट्रेंड्स निकालते हैं, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट से राइट का ट्रेंड निकालते हैं, ठीक है. कि जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम जाएंगे तो फिर क्या होगा, या जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, याद रखिए टॉप से बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है,
टॉप से बॉटम जाने से मतलब कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस तरह से अगर हम जाएं तो आप जानते हैं कि जब टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो फिर पीरियड नंबर में इंक्रीमेंट आ रही होती है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, और जब पीरियड नंबर बढ़ता है तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। तो जब पीरियड नंबर बढ़ रहा है तो उसका मतलब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। इसलिए हाइड्रोजन का एटम छोटा होगा, लिथियम का उससे बड़ा होगा, सोडियम का उससे बड़ा होगा, पोटेशियम का उससे बड़ा होगा, रुबिडियम का उससे बड़ा होगा, सीजियम का उससे बड़ा होगा, और फ्रांशियम का एटम सबसे बड़ा होगा। टॉप से बॉटम आएंगे तो एटॉमिक रेडियस में इंक्रीमेंट आती है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे होते हैं। ये कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा होता है। अब डिक्रीज क्यों हो रहा होगा? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होगा। जैसे कि एक ही सेकंड पीरियड के अंदर ही रहते हैं तो हम उसमें लिथियम आता है, उसके बाद सोडियम आता है। अब लिथियम और मतलब लिथियम की बात कर लें, सॉरी लिथियम के साथ बेरिलियम आता है, कि लिथियम और बेरिलियम की बात करते हैं, दोनों में दो दो शैल हैं, लिथियम भी सेकंड पीरियड में, बेरिलियम भी सेकंड पीरियड में। लेकिन लिथियम और बेरिलियम के अंदर साइज का फर्क यह होगा कि बेरिलियम ज़्यादा छोटा होगा लिथियम से। वजह क्या है कि लेफ्ट से राइट जब हम जाते हैं ना पीरियड में, पीरियड टेबल के अंदर जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे होते हैं तो सूरत में एटॉमिक रेडियस कम हो रहा होता है। वजह क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीमेंट आ रही होती है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, ठीक है। जैसे अगर आप पीरियड टेबल में यहाँ पर इसमें आप चेक करें कि जब हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो जाहिर से पता है एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ेगा, चूंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, पीरियड नंबर बढ़ रहे हैं। लिथियम पे दो शैल है, सोडियम पे तीन शैल है, पोटेशियम पे चार शैल है, रुबिडियम पे पांच शैल है, सीजियम पे छह शैल है। लेकिन ये हम लेफ्ट राइट से पे जाते हैं, लिथियम से आगे बढ़ते हैं, तो सूरत में क्या होता है कि सबके पास दो ही शैल हैं। लेकिन क्या है कि एटॉमिक नंबर चूंकि बढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को लास्ट सेल के, तो क्या होगा? शेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस में डिक्रीमेंट आ जाएगी, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगा जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इसके रीजंस कुछ आते हैं पेपर में कि PCl5 इज पॉसिबल, Pi5 इज नॉट पॉसिबल। कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जो तो एक कंपाउंड है कि फॉस्फोरस के साथ पांच क्लोरीन बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन फॉस्फोरस के साथ पांच आयोडीन बॉन्ड नहीं बना सकता, तो उसकी क्या वजह? तो इसके पीछे भी एटॉमिक रेडियस का ही इशू है। किस तरह से एटॉमिक रेडियस का इशू है? इसके पीछे के क्लोरीन की बात कर ले तो क्लोरीन किस में है? क्लोरीन आपके पास थर्ड उसमें है, थर्ड जो है वो पीरियड के अंदर है, तो उसमें सिर्फ तीन शैल होंगे, और आयोडीन फिफ्थ पीरियड में, तो पांच शैल होंगे। तो क्लोरीन के एटम छोटे होते हैं, तो क्या होता है कि क्लोरीन जो है वो पांच क्लोरीन आराम से जो है वो फॉस्फोरस को सराउंड कर सकता है, लेकिन आयोडीन जो है ना उसके एटम का साइज बड़ा होता है। तो आयोडीन बड़े साइज की वजह से क्या होता है कि वो पांच आयोडीन फॉस्फोरस को सराउंड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से Pi5 नहीं बनता, सिर्फ Pi3 बन सकता है। PCl5 बन सकता है, Pi5 नहीं बन सकता है। फॉस्फोरस के साथ तीन आयोडीन आ सकता है, फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड तो बन सकता है, लेकिन फॉस्फोरस पेंटा आयोडाइड नहीं बन सकता। वाई? बिकॉज ऑफ द लार्जर एटॉमिक रेडियस ऑफ आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट इज के रीजन नंबर टू है कि कैटाइन आर स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम। कि कैटाइन अपने पेरेंट एटम से छोटे होते हैं। कैटाइन कब बनता है भाई? एटम कैटाइन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो पॉजिटिव चार्ज आता है, वो कैटाइन बन जाता है, जैसे Na+ आइन। वो उसका पेरेंट एटम क्या होगा? सोडियम उसका पेरेंट एटम होगा। अब सोडियम पॉजिटिव आइन जो है वो सोडियम से छोटा होता है, और अब चूंकि लेट से बात है सोडियम की, जब आप बात करते हो सोडियम के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तीन शैल होते हैं, लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम की बात करें। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, सोडियम का एटम ड्रॉ करो, फर्स्ट शैल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सेकंड शैल पे उसके जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और थर्ड शैल पे उसके सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये तो सोडियम का पेरेंट एटम है। अब इसका कैटाइन कब बनेगा? जब इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये पूरा शैल खत्म हो जाएगा, ये Na+ आइन बन जाएगा। और Na+ आइन आप देख सकते हो, Na+ आइन कैसा है? Na+ आइन छोटा है अपने पैरेंट एटम से। क्यों? बिकॉज इसके अंदर एक शेल कम हो चुका है, तो ड्यू टू वन शेल लेस देन द पैरेंट एटम कैटाइन्स आर स्मॉलर। कैटाइन्स का स्मॉलर साइज होता है, जब पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है तो स्मॉल होता है। ये भी इस तरह से भी पर में आ सकता है कि Na+ आइन आर स्मॉलर देन सोडियम एटम। ये सोडियम के आइन सोडियम के एटम से छोटे होते हैं, चूंकि उनमें एक शेल कम होता है। थर्ड रीजन है Na+ आर बिगर देन देयर पैरेंट एटम। Na+ अपने पैरेंट एटम से बिगर होते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि इसमें एक शेल ज़्यादा हो जाता होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें एक शेल ज़्यादा नहीं होता, बल्कि इसमें कुछ और होता है। देयर क्लोरीन है Cl-। ठीक है, एटॉमिक नंबर 17 होता है, सिर्फ Cl की बात कर लेता हूँ। क्लोरीन का एटम एटॉमिक नंबर 17 है, तो फर्स्ट शेल में उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 7 आ गए। थर्ड शेल में कितने आ जाए, सॉरी 8 आ जाएंगे। थर्ड में कितने आ जाएंगे? थर्ड में फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से एटॉमिक नंबर इसका 17 हो गया।
अब ये नेगेटिव चार्ज कब बनेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा कहीं से, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, अब ये नेगेटिव चार्ज हो गया, अब इसका साइज बढ़ जाएगा, अब ये एन आयन बन गया, नेगेटिव चार्ज आयन, अब इसका साइज बढ़ जाएगा, साइज क्यों बढ़ेगा, क्योंकि देखो पहले 6 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड लास्ट शेल में थे और 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, तो एक रिपल्जन हो रही थी जो थोड़ी सी कम होगी, और जब दोनों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्जन बढ़ जाएगी, रिपल्जन बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये शेल जो है ना आपस में क्या होंगे थोड़े दूर चले जाएंगे, दूर चलने की वजह से क्या होगा उसका एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा, दैट्स वाई एन आयन्स का एटॉमिक रेडियस ज्यादा होता है अपने पेरेंट एटम से, क्यों ज्यादा होता है, ये वजह नहीं है कि उसमें एक शेल ज्यादा हो जाता है, ये वजह है कि लास्ट शेल और सेकंड लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्जन शुरू हो जाती है, उसकी वजह से वो दूर चले जाते हैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से, तो दीज आर द थ्री रीजंस विच कम इन एग्जाम्स, तो इसको आप याद रखें रीजंस को, इसके आंसर्स भी आप नोट डाउन कर लें, देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ये एटॉमिक रेडियस मैंने आपको बता दिया, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको हम आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, इसको आई पी से शो किया जाता है, मतलब आई फॉर आयनाइजेशन पी फॉर पोटेंशियल, अब ये क्या वैल्यू होती है, इट इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की अमाउंट है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल, किसी भी एटम के लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, चूंकि जब किसी भी एटम से आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उसको एक्साइटेड स्टेट में लाना पड़ेगा, तभी वो हाई लोअर से हायर एनर्जी की तरफ जंप करेगा, और जब वो एक्साइटेड स्टेट पे आने लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप उसको हीट करना पड़ेगा, आप उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, जब एटम को एनर्जी देंगे तो क्या होगा, उसका एक इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल से वैलेंस सेल से बाहर निकल जाएगा, और जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको देनी पड़ी होगी आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, दैट विल बी कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल या आई पी इन शॉर्ट, फॉर एग्जाम्पल मिसाल ले लें, एग्जाम्पल देखें सोडियम में फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके एक इलेक्ट्रॉन को आपको बाहर निकालना है, इजेक्ट करना है, तो यू हैव टू प्रोवाइड इट एनर्जी, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आप इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे, हीट एनर्जी दोगे, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना शेल छोड़कर बाहर निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, एन ए प्लस आयन जनरेट हो गया, तो जो अमाउंट ऑफ हीट आपने उसको दी होगी यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए होती है, और यूनिट क्या होती है भाई, हीट एनर्जी है तो यूनिट्स इसकी किलो जूल पर मोल हो जाएंगी एसआई सिस्टम में, और अगर सीजीएस सिस्टम में लिखना है तो किलो कैलोरी पर मोल इस सूरत में हम लिखते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी होती है इसकी यूनिट, बट ये दो फेमस यूनिट है, किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, इन दो में से किसी एक यूनिट में हम वैल्यू लिखते हैं किसके भाई, इस आयनाइजेशन पोटेंशियल की, फैक्टर्स क्या है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ये आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो सबसे पहला फैक्टर ये होता है कि ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेल पर इन्वर्सली, कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो नंबर ऑफ शेल के, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे आईपी की वैल्यू कम से कम होती जाएगी, वजह क्या है, जो कि शेल्स जब ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो उनको बाहर निकालना मुश्किल होगा, सॉरी जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो उनको आप आराम से कम एनर्जी देकर ही आप उनको जो है वो बाहर निकाल लेंगे, तो उसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे शेल में इंक्रीमेंट होती रहती है वैसे वैसे क्या होता है भाई, वैसे वैसे जो है वो जैसे जैसे शेल्स बढ़ते रहते हैं, जिस जिस तरह से शेल्स में इंक्रीमेंट होते रहते हैं, शेल्स बढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे आईपी की वैल्यू कम होती रहती है, चूंकि इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से दूर चला जाता है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के असर में नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन को खींच कर कौन रखता है, न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज वाला है तो इलेक्ट्रॉन को खींच कर रखता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से, लेकिन जब वही इलेक्ट्रॉन दूर से दूर जाना शुरू हो जाता है तो सूरत में क्या होता है कि उसको इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होना शुरू हो जाता है, इसी में ऐसी ही अगर कोई बच्चा है वो अपनी गली में खेल रहा है, अपने ही गली में अगर वो खेल रहा है अपने घर के सामने तो उसको किडनैप करना मुश्किल है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी किडनैपर को, तो वो घर के सामने, और वही बच्चा 6 गली दूर खेल रहा है अपने घर से तो उसको किडनैप करना आसान है, क्यों, चूंकि वो अपने घर के इन्फ्लुएंस से बहुत दूर है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब अपने न्यूक्लियस से दूर जाने लगते हैं ना तो उनको निकालना आसान हो जाता है, इसलिए नंबर ऑफ सेल की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा भाई, न्यूक्लियर चार्ज के, क्योंकि जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा एटॉमिक रेडियस कम होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आएंगे तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, चूंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर शेल श्रिंक हो जाते हैं, हमने एटॉमिक रेडियस में भी ये पार्ट डिस्कस की है, ठीक है, तो पीरियोडिक ट्रेंड्स कैसे आ गए, पीरियोडिक ट्रेंड्स या ग्रुप ट्रेंड्स इसके बिल्कुल रिवर्स आ जाएंगे एटॉमिक रेडियस के टॉप से बॉटम आईपी डिक्रीज होगी, लेफ्ट से राइट डिक्रीज होगी, भाई लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम सबसे आसान होगा सीजियम के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, क्यों, सबसे डाउन पर है 6 शेल है आराम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, टॉप पर
सबसे ज़्यादा आईपी वैल्यू होगी, जो कि लिथियम के पास सिर्फ दो ही शेल होंगे, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। तो टॉप से बॉटम जाते हैं आईपी की वैल्यू कम होने शुरू हो जाती है, डिक्रीज होती है। ये लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आईपी की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि शेल शेयरिंग होंगे ना तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से। रीजन इसका आता है पेपर में कि आईपी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। तो ये मैंने आंसर यहाँ पर लिखा, वैसे आंसर को समझते हैं कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ऑक्सीजन से ज़्यादा क्यों होती है और कैसे होती है। देखो मैंने अभी बताया कि जब तुम लेफ्ट से राइट जाओगे तो आईपी की वैल्यू क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी, ठीक है। लिथियम की कम होगी, बेरिलियम की ज़्यादा, बोरोन की उससे ज़्यादा, कार्बन की उससे ज़्यादा, नाइट्रोजन की उससे ज़्यादा, ऑक्सीजन की उससे ज़्यादा, ऐसे होना चाहिए ना। लेकिन इस कंडीशन पर, यहाँ पर इस वाली जगह पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, यहाँ पर थोड़ी सी अबनॉर्मलिटी है। नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए नाइट्रोजन से, बट होती है क्या, नाइट्रोजन की आईपी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। अब इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह यहाँ पर मैंने लिखी है कि ड्यू टू द हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इट इज़ अ स्टेबल मॉलिक्यूल, सो मोर आईपी इज नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन, हैज़ द वैल्यू ऑफ आईपी फॉर नाइट्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप नाइट्रोजन की बात करो, अगर से नाइट्रोजन के न्यूक्लियर चार्ज 7 है, ऑक्सीजन के 8 है, इसकी ज़्यादा आईपी होनी चाहिए, बट होती ज़्यादा नाइट्रोजन की आईपी है इन रियल। वजह क्या है कि नाइट्रोजन की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम करोगे तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p3। 2p3 में अगर आप उसको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से ब्रेक कर दो तो 2px, 2py, 2pz, xyz तीनों पर एक एक इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी। और हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कि अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है तो उसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि वो, उसका मतलब ये हो गया कि वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, और स्टेबल मॉलिक्यूल है तो उसका मतलब ये हो गया कि उसके इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल है। तो इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से क्या होता है कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, इसलिए नाइट्रोजन बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शन भी नहीं करता जैसे ऑक्सीजन करता है। जैसे हवा में मौजूद आपको पता है 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन तो जलने में मदद देता है, नाइट्रोजन जलने में मदद नहीं देती है। जंग लग रहा है अगर लोहे को तो ऑक्सीजन की वजह से लग रहा है, नाइट्रोजन की वजह से नहीं लग रहा है। तो मतलब यही मैं बता रहा हूँ कि नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन से, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा मुश्किल है ऑक्सीजन के मॉलिक, उसके ऑक्सीजन को निकालने से, बिकॉज इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। आई थिंक द रीज़न इज क्लियर नाउ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आयनाइजेशन पोटेंशियल, जो मैंने आपको सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड के अकॉर्डिंग कंप्लीट डिटेल मैंने आपको यहाँ पर बता दी। थर्ड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज टोटली द अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल। ई ए से इसको शो करते, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ए फॉर एफिनिटी। और ये क्या है भाई, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द लास्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या थी, किसी भी एटम के लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी भी हीट देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, वो आयनाइजेशन पोटेंशियल है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या चीज़ है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर एंटर हो रहा है लास्ट शेल में तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो जितनी भी हीट एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लोग जो है वो कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या चीज़ है, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम के लास्ट सेल में दाखिल हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल क्लोरीन है 2.8.7, एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इस पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए तो 2.8.8 हो जाएगा, नेगेटिव आयन बन जाएगा, Cl नेगेटिव आयन। अब इस दौरान क्या होगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन दाखिल हुआ है तो हीट एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी भी हीट एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ई ए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और चूंकि एनर्जी है तो यूनिट इसकी भी क्या होगी, सेम आईपी की तरह किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल, ये एसआई में या सीजीएस में। रीजन आता है पेपर में उसका कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैसेस इज जीरो। नोबल गैसेस या एटे ग्रुप के जो गैसेस होते हैं, नॉन रिएक्टिव गैसेस, इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, उनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है वो जीरो होती है। अब इसके पीछे क्या वजह, सिंपल रीजन है, देखिए एटे ग्रुप में होते हैं ना, ये एटे ग्रुप में लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब ये सारे के सारे स्टेबल हैं, इनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है, लास्ट सेल फुल्ली फिल्ड होता है। अब जब इनके लास्ट सेल फुल्ली फिल्ड है तो इनको इलेक्ट्रॉन तो ये ले ही नहीं सकते, जब इलेक्ट्रॉन ये रिसीव ही नहीं कर सकते किसी दूसरे एटम से तो सूरत में इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी नहीं होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, जीरो होती है, किसकी, इन जो है वो एटे ग्रुप के एलिमेंट्स की, नोबल गैसेस की, ठीक है। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो आईपी का बिल्कुल रिवर्स था जिसको हमने यहाँ पर समझा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रो नेगेटिविटी।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको ई एन कहते हैं शॉर्ट में, उर्दू में उसको कहते हैं बर्क मनफियत। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज है भाई? इट इज द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। एटम की वो ताकत जिसके जरिए वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? जब दो एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं आपस में तो शेयर्ड पेयर बन जाता है उनके बीच में, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग जिसमें हुई होती है। अब वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों एटम अपनी तरफ खींचते हैं तो जिस ताकत से वो खींचते हैं अपनी तरफ उस ताकत को, उस स्ट्रेंथ को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप इसकी एक रिलेटिव वैल्यू, लिनस पॉलिंग एक साइंटिस्ट थे, देयर वाज अ साइंटिस्ट हुज नेम वाज लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग साहब ने क्या किया था? लिनस पॉलिंग साहब ने एक स्केल बनाया था जिसको हम कहते हैं पॉलिंग स्केल, और पॉलिंग स्केल के अंदर उसने रिलेटिव वैल्यूज रख दी थी सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। उसने सबसे हाइएस्ट वैल्यू दी थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की फ्लोरीन को, कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हाईएस्ट है जिसकी वैल्यू उसने रखी थी 4.0, और सीजियम को उसने लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रखा जिसकी वैल्यू थी 0.7, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स उन सबको इनके बिटवीन मोर देन 0.7 और लेस देन 4.0 वैल्यूज दे दी रिलेट करते हुए सबकी ताकत की दूसरे के साथ। तो ये पॉलिंग स्केल कहलाया। तो हर एक एलिमेंट की अपनी एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, हाइड्रोजन की 2.1 है, क्लोरीन की 3.0 है, इस तरह फ्लोरीन की 4.0 है, सीजियम की 0.7 है, सबकी अपनी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज होती हैं। बुक के अंदर आपको एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज मौजूद होंगी इसी टॉपिक के अंदर। यूनिट की बात की जाती है, चूंकि एक रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है, रिलेटिव टर्म है इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती। फैक्टर्स की बात की जाती है तो सिर्फ एटॉमिक रेडियस का रिवर्स ही चलता है, ठीक है, किस तरह से कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नंबर ऑफ शेल्स की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी और न्यूक्लियर चार्ज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्योंकि जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, शेयर्ड पेयर न्यूक्लियर से दूर जाएगा, और जब शेयर्ड पेयर को खींचता कौन है, न्यूक्लियर से तो खींच रहा होता अपनी तरफ। अगर मैं कहता हूँ एटम खींचता है तो एटम के अंदर न्यूक्लियस है पॉजिटिव जो खींच रहा होता है। अब जब शेल्स बढ़ते हैं तो क्या होता है, शेयर्ड पेयर दूर जाते रहते हैं न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस को खींचना मुश्किल हो जाता है, तो स्ट्रेंथ क्या होती है, कम हो जाती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, जिसकी वजह से क्या होता है जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डाउन होती रहती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती रहती है। और यही अगर आप न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाते रहें तो एट प्रोटॉन्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो ज़्यादा ताकत के साथ नेगेटिव चार्ज शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा न्यूक्लियर चार्ज के। पीरियोडिक ट्रेंड्स इसके लिहाज से बना लें, टॉप से बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कम होनी शुरू हो जाएगी, और जब लेफ्ट से राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, जब हम यहाँ से लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वो ताकत जिसके जरिए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एटम अपनी तरफ खींचता है। इसकी वैल्यू 4 और 0.7 के बीच में कुछ भी हो सकती है, उसकी वैल्यूज जो है वो आपको बुक के अंदर मेंशन मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, सो दिस इज द टॉपिक विच वी हैव डिस्कस टुडे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 3, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, दैट इज एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो आई थिंक के आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर क्लियर हो चुकी होंगी जो आज मैंने आपको समझाया है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करें, या आप कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह आई विल डू माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। बाकी अगर ये लेक्चर पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस लेक्चर्स को जितना हो सके जहाँ तक हो सके इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को, जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, या एप्टीट्यूड टेस्ट के स्टूडेंट हैं, उन तक फॉरवर्ड करें ताकि उनको भी कॉन्सेप्ट्स को समझने में आसानी हो केमिस्ट्री के, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होती है, तो अल्लाह हाफिज़।